अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो चलिए बहुत ही मज़े की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है मैदा, मैदे के साथ हमने कुकिंग ऑयल डाला है और थोड़ा सा नमक डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंग, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। इन्हें अच्छे से मिला लेंगे, उसके बाद इसको पानी डाल करके नीट करना है। कुकिंग ऑयल देखिए बहुत ज़्यादा नहीं मिलाना है, 2 छोटे चम्मच, जो चाय वाला चम्मच होता है ना छोटा सा, बस उससे डाल दीजिए। और मैदा यहाँ पर हमने 1 बड़ा कप भर के लिया है और इसका डो बनाना है। तो डो जो है ना बहुत टाइट मत बनाइएगा, जैसे पूरी का बनता है ना बहुत टाइट, वो नहीं, हल्का सा ढीला रखिएगा इसका डो। अच्छे से इसको मिला लीजिए और मिला करके ऊपर नीचे बहुत अच्छे से इसमें ऑयल लगा दीजिए। और इसको रेस्ट करने के लिए रखना है हमें कम से कम 3 से 4 घंटे। देखिए 3 से 4 घंटे इसे ज़रूर आप रखिएगा। तो ये काम हमने दिन में कर दिया था। और उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, हमने फिर से ऑयल लिया है, कुकिंग ऑयल कोई भी आप ले लीजिएगा, और उसमें मैदा डाला है। मैदा डाल करके इसमें एक सलरी बना लेनी है। देखिए किस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी रहेगी, आप देख लीजिए, ना बहुत गाढ़ी और ना बहुत पतली। अब यहाँ 3 से 4 घंटे हो गए थे, वैसे हमने इसको 4 घंटे रख छोड़ा था। 4 घंटे के बाद इसको जब हमने लिया, उसके बाद बहुत अच्छे से इसको फिर से नीट किया, और नीट करने के बाद इसमें से 2 हिस्सा कट कर लिया। अब जो 2 हिस्से कट किए हैं ना, उसमें से हम 3 हिस्से कट कर लेंगे, माने 1 हिस्से का 3 हिस्सा लगाएंगे, यानी 1 में से 3 पेड़े इस तरह से बनेंगे। देखिए हम क्या बना रहे हैं, ये तो हमने आपको बता ही नहीं। यहाँ पे हम बना रहे हैं स्प्रिंग रोल शीट या समोसा पट्टी, कुछ भी आप कह लीजिए। और ये देखिए होममेड है, बहुत ही जल्दी बहुत ही इजीली बन जाएगी। अब जो हमने ये देखिए लोइयां बना करके रखी थी, उसे एक लोई उठाएंगे और उसे इस तरह से बेल लेंगे। जितनी बड़ी आप बेल सकते हैं उतनी बड़ी बेल लीजिए, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं करनी है क्योंकि इसको फिर से एक बार बेला जाएगा। इसके ऊपर मैदा डस्ट कर लीजिएगा ताकि इजीली इसको बेलते बन जाए। उसके बाद इस पर जो हमने पहले देखिए 3 हमने अलग किया था, तो 3 की हम करेंगे। पहले हम देखिए इसको बना करके देख रहे थे कि बनता है कि नहीं बनता है। अब देखिए 3 जब इस तरह से हमने बेल ली है लोइयां, इक्वल साइज़ की बेलिएगा, एक पर मैदा डस्ट करिएगा, और जो हमने ऑयल और मैदे से ये बना करके रखा है इसको इस पर इस तरह से स्प्रेड कर दीजिए, अच्छे से लगा दीजिएगा। उसके बाद दूसरी रोटी को उठाइएगा, इसके ऊपर इस तरह से रख दीजिएगा। दूसरी वाली रोटी के ऊपर हिस्से पे फिर से मैदा स्प्रिंकल करिए, फिर से ये हमने जो बना करके रखा है उसको इस तरह से ऑयल वाला इसको लगा दीजिएगा, चारों तरफ अच्छे से लगा दीजिएगा। और उसके बाद फिर जो अगली रोटी है इसके ऊपर रख दीजिएगा। वैसे तो आप 3 या 4 रोटियाँ इसके ऊपर रख सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ 3 रखी है, 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, लेकिन हम जितना हैंडल कर सकते थे। और बताया ना फर्स्ट टाइम बना रहे थे तो हमें लगा पता नहीं बनेगा, हम हैंडल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। वैसे तो लिक्विड डो से कई बार इसको बनाने की कोशिश की है, बनी भी है, पर रिज़ल्ट इसका अच्छा नहीं आया, बट इसका रिज़ल्ट बहुत ही ज़बरदस्त आया। और इसे भी हमने YouTube से ही देखा है, उसी से देख करके बनाया है, रील्स वगैरह में देखा था। अब ये देखिए बिल्कुल पतली, जितनी पतली आप बेल सकते हैं उतना पतला बेल दीजिएगा, और उसके बाद तवे को अच्छे से गर्म करके बिल्कुल स्लो कर दीजिएगा। उसके बाद इसको डालिए और फट से इसको मुश्किल से 10 या 20 सेकंड में इसको पलट दीजिए। फिर से इसको दूसरा साइड इसका फिर ऐसे हाथ से इस तरह से प्रेस करिए, घुमाइए और फिर दूसरी तरफ पलट दीजिए। ये काम बहुत जल्दी जल्दी आपको करना है, माने एक साइड मुश्किल से 10-12 सेकंड रखिए, फिर पलटिए, 10-12 सेकंड रखिए, पलटिए। तो ये देखिए इस तरह से साइड ये अपने आप इसका छोड़ देगा और ये इस तरह से खुल जाएगा। तो देखिए पहला वाला जब हमने बनाया ना, तो देखिए पहला बन रहा है तो थोड़ी सी कुछ कमी तो पहले में होती है, तो हमने इसको हटा लिया था नीचे रख करके, फिर इस तरह से हमने खोला, फिर भी देखिए बहुत अच्छे से ये खुल गया और बहुत अच्छा बना है, बिल्कुल पतला बना है, जैसे पेपर की तरह बिल्कुल पतला है और सॉफ्ट, बिल्कुल रुई की तरह। देखिए बीच वाला थोड़ा सा टूट गया है, पर अभी हम आपको जब नेक्स्ट दिखाएंगे ना वो देखिएगा आप उसका रिजल्ट कितना परफेक्ट आया है। देखिए किसी भी काम में जब परफेक्शन तब आता है जब हम उसे बार बार करते हैं, कोशिश करते हैं। उसके बाद देखिए इसको एक के ऊपर एक इस तरह से रख देंगे और कवर कर देंगे, थोड़ा सा मैदा डस्ट करके रख देंगे, चाहिए तो नहीं भी करिए फिर भी चलेगा, पर कवर ज़रूर कर दीजिएगा।
देखिए फिर उसके बाद अगर कवर नहीं करेंगे ना तो ये सूख जाएगा, कवर करके रखिएगा। दूसरा देखिए फिर इस तरह से हमने बेला, जितना पतला आप बेलेंगे उतनी अच्छी ये बनेगी। और देखिए फटाफट उल्टा पलटा और ये देखिए अपने आप खुल गया ना, तो दूसरी बार ही देखिए मेहनत रंग लाई और कितना अच्छा और कितना ज़बरदस्त बन गया। दो ही हमने रोटी से बनाया था, यानी यहाँ पर हमको 6 जो शीट है हमारी बन जाएंगी। ये देखिए कितना इजीली, और ये देखिए तवे पर ही ये निकल आया, इसको हमें नीचे उतारना भी नहीं पड़ा है। तो भाई देखिए बाज़ार से समोसा पट्टी, ये स्प्रिंग रोल शीट हम लोग ले आते हैं, और अभी आगे रमज़ान भी आ रहा है और होली भी है, तो ऐसी चीज़ें घर में बनाई जाती हैं, बाज़ार से लाते हैं, काफ़ी महंगी पड़ती हैं और बहुत ढेर सारी शीट्स मिल जाती हैं, तो उन्हें संभाल के रखना, स्टोर करना भी मुश्किल होता है। तो इस तरह से आप घर पे बना सकते हैं, बहुत इजीली बन जाएगा। और अगर आपको कुकिंग का शौक़ है ना, तो हम सच बता रहे हैं आपको बड़ा मज़ा आएगा इसे बनाने में। और रात में हम ये काम कर रहे थे डिनर के बाद, तो देखिए किचन कितना फैल गया था, पर कोई नहीं, सब कुछ साफ़ सुथरा कर दिया था, ठीक कर दिया था। अब देखिए बारी है इसको कटिंग करने की। आप चाहिए तो ऐसे ही आप इसमें फिल कर सकते हैं, लेकिन कटिंग ज़रूरी है, तो कटिंग करके इसमें एक अच्छा सा फिनिशिंग आ जाएगा, शेप आ जाएगा, बिल्कुल मार्केट वाला। तो ये काम हमने तंजिया को दे दिया था, हमने आपको पहले बताया ये सब चीज़ें हमसे प्रॉपर ढंग से कट होती नहीं, तो यहाँ पर तंजिया ने इसको कर दिया है अच्छे से। और ये देखिए हमारी शीट रेडी हो गई है, साइड जो है इसको भी हम संभाल के रख देंगे और इसको पापड़ी चाट बना लेंगे इस तरह से। ये देखिए इसको रोल करके आप बना सकते हैं, लेकिन हाँ स्टोर करने के लिए इसको आप इस तरह से जिप लॉक बैग में रख दीजिए, 2 दिन तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, और उसके बाद अगर आपको स्टोर करना है तो इसमें फिलिंग करके तब आप इसको फ्रीज करके रखिएगा, ये इसकी ट्रिक होती है। बस उसके बाद नेक्स्ट डे देखिए यहाँ पे हम गए थे बाज़ार, क्योंकि अब हमको अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग रमज़ान के लिए करनी है, तो रश आप देख लीजिए कितना जैम है। और बाइक से हम गए थे और ये पुराना चौक वाला इलाका है, पूरा इतना ज़्यादा जैम लगा हुआ था कि निकलना मुश्किल हो रहा था। भाई आगे फेस्टिवल है ही है, होली भी है, रमज़ान भी है, तो सब लोग भागम भाग सबका लगा हुआ है, जल्दी से जल्दी ये होता है कि अपनी चीज़ें कलेक्ट कर ली जाएँ, इकट्ठा करके स्टोर कर ली जाएँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आ गए हैं ग्रॉसरी के लिए, जहाँ पे हमको अपना साबुन है और शैम्पू है, पेस्ट है, इस तरह की चीज़ें जो चाहती हैं ना, तो ये हमारा यहाँ पे आ गए थे। पहले यहाँ पे हमने इनको अपनी लिस्ट बताई, उसके बाद हम लोग अग्रवाल ड्राई फ्रूट्स के पास आ गए थे। और ये यहाँ की शॉप आपको पहले भी हमने शेयर की है, लोकनाथ पर है इनकी शॉप, सामने आप देख रहे होंगे लोकनाथ चौराहा। तो ये अग्रवाल जी बैठे हुए हैं सामने, बहुत ही अच्छे हैं और सारी चीज़ें इनके यहाँ बहुत ही अच्छी हैं, क्वालिटी वाइज रेट वाइज सब बहुत अच्छी। और सामने आप देखिए ये आंटी नज़र आ रही है ना, स्कार्फ में इनको देख के इतना अच्छा लग रहा था, ये आंटी अपना अकेले शॉपिंग करने आई थी। भाई बहुत हौसला है, बहुत हिम्मत है, अल्लाह इनको हिम्मत और ताकत दे। तो यहाँ पर हमारी शॉपिंग जो है हो गई थी, मतलब शॉपिंग क्या, हमारी ग्रॉसरी की जो चीज़ें हमें चाहिए थे, ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी रमज़ान के हवाले से चाहिए था वो सारी चीज़ें हमने ले ली थी। और फिर यहाँ से हमें जाना था जहाँ पर हमने पहले लिस्ट बताई थी, तो वहाँ से भी हमें अपनी चीज़ें लेनी थी। और जैम का वही हाल था, इतना देर हो गया था लेकिन कहीं भी जैम जो है वो नहीं खुला था, और हस्बैंड वो यहाँ पे बाइक छोड़ करके जा करके जैम खुलवाने लगे थे। भाई कमाल है, ये भी काम कर लेते हैं, अल्लाह का शुक्र है। और सामान इतना ज़्यादा हो गया था कि हम क्या करते हैं? फिर उन्होंने हमको ई रिक्शा कराया और एक रिक्शे पे हम अपनी सारा सामान लेकर के, मेरी सवारी जो थी चल दी थी, और बहुत दिनों के बाद ई रिक्शे पे इस तरह से हम सामान लेकर के आ रहे थे, साथ में पीछे पीछे हस्बैंड में से आ रहे थे। वैसे डर की कोई बात नहीं, अपना शहर है, अपना इलाका है, और भाई कहीं भी आ जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, अल्लाह का शुक्र है। और जैम देखिए क्यों लगता है, जो ये साइड पे इतनी ज़्यादा बड़ा बड़ा के इन लोग शॉप जो अपनी लगा लेते हैं, पटरियों पे जो अपनी दुकानें लगा लेते हैं। और ये देखिए ये पुरानी, ये क्या, ये कोई कोठी होगी या फिर कोई हवेली होगी, क्या होगा नहीं पता हमको इस बारे में। चलिए कभी इसको सर्च करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे ये क्या है, बाइक पर आते जाते देखते रहते हैं, बहुत पुरानी है। और उसके बाद देखिए अपने एरिया में आए, कितना सन्नाटा, कितना पीसफुल है, कहीं कोई नज़र ही नहीं आ रहा। और हस्बैंड यहाँ पहले पहुँच आए थे, वैसे उन्होंने हमें पैसे दे दिए थे देने के लिए, पर जब यहाँ पे वो मिल गए घर के पास, हमने कहा लीजिए आप ही ऐसा ऐसा पैसे दे, पेमेंट कर दीजिए, वो मेरा हो जाएगा। तो औरतें यही करती है ना, आप भी यही करते होंगे। तो काफ़ी सम्मान हो गया था, पर शुक्र है काफ़ी चीज़ें आ गई हैं। और आकर के फिर कुछ नहीं किया था, सब एज़ इट इज़ छोड़ दिया था, अगले दिन भी कुछ भी नहीं किया था।
क्योंकि तंजिया जो थी वो कॉलेज गई थी और आलिया अकेले थी, तो हमने कहा आलिया अकेले हैं तो इनके साथ अब ये नहीं उठवाएंगे, नहीं रखवाएंगे। तो ये फिर फ्राइडे को हमने सुबह ये सारा ब्रेकफास्ट के बाद ये सारा काम शुरू करा, क्योंकि आज हमारे 6 हाथ हैं। हमारे 6 हाथ का मतलब 2 तंजिया के, 2 आलिया के, 2 मेरे, तो हम लोग मिलकर सारा काम कर लेंगे। तो सारी चीज़ें यहीं पे फैला दी थी बेडरूम में। आपको बताया ना, हमारा स्टोरेज जो सारा है यहाँ यहीं पर है, तो हम यहीं पे स्टोर करके सारी चीज़ें अपनी रखते हैं। तो शुक्र है कि ये सारी चीज़ें आ गई हैं। और आप सोच रहे होंगे कि ये क्या रमज़ान आ रहा है तो ये सारी चीज़ें सिर्फ खाने पीने की और ये सब चीज़ें क्यों इकट्ठा की जा रही है। भाई ये इसलिए इकट्ठा की जाती हैं कि रमज़ान में हमें इबादत का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल जाए, बाहर के बारे में सोचा ना जाए। तो इसलिए ये सारी चीज़ें 1 महीने के लिए सब कलेक्ट करके रख लिया जाता है और कोशिश की जाती है कि रोज़ रोज़ भाग दौड़ ना हो तो ज़्यादा अच्छा। फिर रोज़ा रख के बाज़ार जाना भी पॉसिबल नहीं होता है। तो जो भी चीज़ें कम थी वो भी सब चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं, सब चीज़ें इकट्ठा हो गई हैं। कुछ चीज़ों के भी और ज़रूरत है तो वो भी आ जाएंगी। तो यहाँ पे अग्रवाल जी ने हमको चेरी भी दे दी थी, बोला था ये नई आई है, फ्रेश है, बहुत अच्छी। और ये देखिए, ये सारी चीज़ें हम लाए नहीं थे, चना मटर ये हमारे पास पहले से थी, और यहाँ पे सिनेमन स्टिक हम रख रहे थे, ये पहले से भी मेरे पास थी और हम ले आए थे, तो बड़े से जार में रख रहे थे। और बच्चे हंस रहे थे कि मम्मी आपको मसाले की बीमारी है रखने की, और ये जीरा भी देख के हंस रहे थे। पर क्या करें, ये आदत शायद हमको हमारी माँ से मिली है, क्योंकि उनको भी मसाले से बहुत मोहब्बत थी और हमें भी बहुत है। मुझे लगता है मेरे पास मसाले कभी कम ना हो, जबकि आप देखते हैं कि हम कोई भी गर्म मसाला डालते नहीं हैं, बहुत कम डालते हैं। तो यहाँ पे ये सब हो ही रहा था तो हमने सोचा जो पुराने वाला जीरा है उसको लाओ भून करके, उसे भी पीस करके रख लें, क्योंकि अभी भुने जीरे की ज़रूरत पड़ेगी। और वैसे भी ये सब चीज़ें तो हम लोग रखते ही हैं किचन में, धनिया भी है, इसे भी हल्का सा भून करके रख लेंगे। तो ये भी साथ में कर रहे थे ताकि सारा ये भी काम हो जाए। तो ज़ीरा यहाँ पे भून लिया था, ठंडा हो गया, तो इसको भी ग्राइंड कर दिया है। तो चाट वगैरह में हर चीज़ों में डलता ही है और बाकी खानों में भी डाला ही जाता है। और इसके बाद ये देखिए, धनिया और ज़ीरा हमने अलग अलग भूना है और इसको एक साथ मिला करके ग्राइंड कर लिया है पल्स मोड पे। वैसे इसको कूट लेते हैं तो भी काम बहुत अच्छा होता है, खुशबू। साथ में इसमें देखिए, जब कुटी हुई मिर्च मिला देंगे और नमक, काला नमक मिलाएंगे, तो ये हमारा होममेड चाट मसाला बन जाएगा। आप इसे किसी भी तरह की चाट पे स्प्रिंकल करिए, दही बड़े पे करिए। तो ये भी आपको हमने देखिए एक मसाला बता दिया है, इस तरह से आप बनाकर रख लीजिए, जब भी आप चाट वगैरह खाते हैं बाहर तो उस पे इस तरह से स्प्रिंकल करके मिलता है, तो बड़ा अच्छा टेस्ट होता है, बड़ी अच्छी इसकी खुशबू होती है। तो ये भी चलिए, शुक्र है मेरा ये भी बन गया, ये भी स्टोर हो गया था। ये भी सारी चीज़ें ला करके किचन में अरेंज कर लिए। वैसे तो हम इन सब चीज़ों को फ्रिज में रखते हैं। तंजिया जी, हमको बहुत डांटती है। आये तो मम्मी को डांटती हो? ये मेरी मम्मी, जब भी मैं झाड़ू लगाऊं ये मेरी मम्मी बन जाती है। मेरी मम्मी बहुत पहले चली गई ना अल्लाह के पास, तो डांटने वाला कोई बचा नहीं है। अब्बू ने कभी डांटा नहीं, ये हमारी मम्मी बनी है, मेरी और पापा की। मैं मम्मी नहीं हूँ, दोस्त हूँ, आपको नहीं पता कैसी बात है। नहीं नहीं बच्चे जब बड़े हो जाते तो मम्मी बन जाते। क्या बोलती रहती है, आपकी सारी बातें नहीं जाएगी यूट्यूब पे? बिल्कुल जाएगी, जाएगी। इतने बड़े ही रिस्पेक्ट की बात है। क्या नहीं, नहीं रहने दीजिए, इतनी रिस्पेक्ट नहीं चाहिए। डोरमेट साफ कर लो, बहुत दोनों मेहनत कर रही हैं भाई, हम किचन का काम कर लेते हैं। तो सबसे जल्दी और इजीली जो बन जाएगा, जा रहे हैं वो बनाने फिश करी। अब फिश फ्राई रखी है ना, बस ग्रेवी बनाना है, तो मसाला पीस के फटाफट ग्रेवी बना देते हैं। और टाइम देख लीजिए कितना हो गया। रुकिए, नहीं खाऊंगी, रुकी रहिए। तो पता ही है, हेल्पर तो आ ही नहीं रही हैं, वो तो शादी में बेटी के अपने बिजी हैं, छुट्टी लेकर के बैठी हुई हैं। तो बच्चे बेचारे जो हैं, फिर उसके बाद बच्चों ने देखे मिल करके झाड़ू पोछा वगैरह कर दिया। और हमने बताया था कि हमको फ़िश बनानी थी, फ़िश क्या जल्दी, सबसे जल्दी जो बन जाए। वो मेरे पास जो अवेलेबल था ये हुआ, आज फ्राइडे भी है, टाइम भी नहीं है, तो हमने फटाफट फ़िश इधर बना ली थी। और इधर बीच में हमने लहसुन भी देखी इस तरह से छील कर पील करके रख दिया था, क्योंकि इसकी भी ज़रूरत पड़ती रहती है। तो ये सारी चीज़ें रखी रहेंगी फ्रिज में, तो रमजान में इजी होगा कि लेकर बैठना नहीं पड़ेगा।
तो बच्चे बेचारे काम कर रहे थे, सब कुछ सेट कर रहे थे। शुक्र है बहुत काम करते हैं बच्चे, अल्लाह का शुक्र है बहुत हेल्प कर देते हैं। भाई हम अकेले थे ना, तो हमको लगता था काश मेरी और बहनें होती तो वो भी साथ में मिलके काम करती। मम्मी के साथ जब हम करते तो लगता सारा काम हमको अकेले करना पड़ता, काश कि मेरी कोई बहन होती। तो देखिए कितना फ़ायदा होता है, दो बेटियाँ हैं तो आपस में मिल करके सारा मिल बांट के कर लेती हैं। एक ने देखिए झाड़ू लगा दिया, एक ने मॉपिंग कर दी, एक ने सेटिंग कर दी। और यहाँ पर बातों तो मैं देखिए बच्चों से बात भी कर रहे थे, हंस रहे थे, बातें भी हो रही थी। और ये हमारी फिश करी जो है ये भी रेडी हो गई थी। अब बारी थी बर्तन की, तो हमने तो भाई किचन का सारा काम कर लिया था, बर्तन भी सारे वॉश कर दिए थे, बच्चों ने इधर सारा सेट कर दिया था। तो आई होप कि आज का व्लॉग आपको पसंद आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा देखने में। तो जल्दी जल्दी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, देर किस बात की है। इसी तरह से अच्छी अच्छी रेसिपीज और व्लॉग्स लेकर आपको हम शेयर करते रहेंगे, आते रहेंगे। और भाई देखिए आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो लाइक भी कर दिया करिए ना प्लीज़, हम्बल रिक्वेस्ट आपसे कर रहे हैं ना। तो ये देखिए फिश करी हमारी रेडी हो गई है और रोटी चावल भी बन गया है। और यहाँ पे हमारा कुकिंग ऑयल जो है वो रह गया था रखने के लिए, कभी सन ड्रॉप ले आ लेते हैं, कभी कुछ और ले आ लेते हैं। और सब्ज़ी वाला भैया भी आ गया था तो हमने कहा प्याज भी ले लेते हैं, ये भी काम हो जाएगा। खाना रेडी है, फिर मिलेंगे नए कंटेंट के साथ, नई रेसिपीज़ के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।